ऐसा क्या हुआ था जो सलमान खान और अक्षय कुमार से भिड़ गए थे अजय देवगन? बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन भाई इनसे कोई भी अगर पंगा लेता हुआ सामने आया है तो पहले अजय देवगन ने उसे माफ ही किया है, लेकिन दूसरी बार करारा जवाब भी हमेशा दिया है। अजय देवगन की यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम लड़ाई हुई है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि अजय देवगन से पंगा लेना उनके लिए एक मुसीबत ही हो जाएगी, क्योंकि अगर दुश्मन करते हैं अजय देवगन तो दुश्मनी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो वही अगर दोस्ती करते हैं तो दोस्ती को भी अच्छे से निभाना वो जानते हैं। ऐसे में उनके साथ दोस्ती करना हर किसी को पसंद है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन दुश्मनी हो जाए तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो ही जाती है। सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ एक वक्त की बात है कि लड़ाई हो चुकी है। अजय देवगन के साथ भले ही आज के वक्त में तीनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, और अजय देवगन तो सलमान खान को एक लौता अपना दोस्त कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन आखिर ये लड़ाई क्यों हुई है आपको अपने इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। सलमान खान के साथ यहाँ विवेक ओबरॉय का केस चल रहा था, यानी कि सलमान के खिलाफ विवेक ओबरॉय बहुत कुछ कहते हुए सामने आ रहे थे। सलमान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमान भी अपना हाथ ऊंचा रखते हुए विवेक का करियर बर्बाद करते हुए दिखाई दिए। लगातार प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मना कर रहे थे विवेक ओबरॉय को अप्रोच करने से, लेकिन फिर ओमकारा इसके डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से कहा सलमान खान ने विवेक को फिल्म से हटा दिया जाए। विशाल भारद्वाज साफ तौर पर इनकार कर चुके थे सलमान खान को, जिसके बाद उन्हें पता चला कि फिल्म में अजय देवगन भी है और अजय देवगन का रोल सबसे ज्यादा अहम है। सलमान का यह कहना था अजय को तुम इस फिल्म से इनकार कर दो तो हो सकता है कि विवेक को फिल्म से निकाल दिया जाए और तुम्हें फिल्म में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अजय देवगन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी एंगल से प्रोफेशनलिज्म यहाँ नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही अपने साथ और ना ही किसी के साथ ऐसा होने दूंगा। और इसी बीच हो गई थी एक अच्छी लड़ाई सलमान और अजय के बीच, लेकिन कुछ दिनों बाद ये कह लीजिए कुछ वक्त बाद इन दोनों के बीच सब कुछ सुलझता हुआ सामने आ ही गया है। अब आते हैं अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन की लड़ाई पर। ये फिल्म कर रहे थे एक साथ खाकी, बहुत ही कम ऐसा मौका मिला है कि अजय और अक्षय को एक साथ देखा जाए। इन दोनों को जब ये फिल्म मिली तो वहाँ अजय देवगन के सामने जहाँ अक्षय कुमार थे, तो हमेशा की तरह अक्षय कुमार ने अपनी बाजी ऊपर रखनी चाहिए और वो चाहते थे कि फिल्म खाकी में उनके सीन ज्यादा से ज्यादा हो और बाकी सभी के सीन कटते चले जाए। अजय देवगन को ये बात पता चल चुकी थी और इस वजह से उनके साथ उनकी लड़ाई हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये बात सिर्फ फिल्म खाकी तक ही नहीं रुक गई, उसके बाद भी आगे बढ़ती रही। यूं तो अजय देवगन कसम खा चुके थे कि वो अक्षय कुमार के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों की दो फिल्में सामने आई, वो भी उनके जरिए जो इन दोनों के ही सबसे ज्यादा खास दोस्त थे। और हर बार अजय और अक्षय एक दूसरे से यहाँ प्रोफेशनली बिल्कुल भी ठीक रिलेशन रखते हुए सामने नहीं आए, भले ही आज के वक्त में दोनों के बीच हाय हेलो हो जाती हो या फिर एक दूसरे को बर्थडे विश कर लेते हो, जिसे कि हाल ही में अजय देवगन ने अक्षय कुमार के बर्थडे पे उन्हें विश किया, मगर इन दोनों के बीच अब कुछ खास दोस्ती नहीं रह चुकी है प्रोफेशनली। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।